हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे NTPC CBT 1 एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिफिकेशन वायरल हो रही है और इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से जारी किया गया है। रेलवे NTPC CEN 01/2019 के तहत जो 35,000 से अधिक वैकेंसी रेलवे NTPC में दी गई है, इस वैकेंसी का एग्जाम डेट की जानकारी इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। जो यह न्यूज काफ़ी वायरल हो रही है और बच्चे इस न्यूज़ में कन्फ्यूज हैं कि यह न्यूज़ फेक है या रियल है, तो दोस्तों आप सभी को बता दे कि इस तरह का जो नोटिफिकेशन वायरल हो रही है यह 100% फेक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एग्जाम डेट से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है। और RRB के किसी भी साइट पर अगर आप लोग जाएंगे तो रेलवे NTPC एग्जाम या रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और एक और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी शायद आप सभी को एक और जानकारी मिल रही होगी कि रेलवे NTPC का एग्जाम मार्च 2020 में होगा, दरअसल वह भी न्यूज़ फेक है। और यह नोटिफिकेशन जो आप लोग देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे NTPC का एग्जाम 28/3/2020 से लेकर 30/4/2020 तक टोटल 34 दिन में रेलवे NTPC का एग्जाम होगा। और रेलवे NTPC का एडमिट कार्ड आप लोग 13/3/2020 को डाउनलोड करेंगे, ऐसा नोटिफिकेशन जो वायरल हो रही है। दरअसल यह फेक है, 100% फेक है और इस नोटिफिकेशन पे आप लोग विश्वास नहीं करें, क्योंकि अभी तक RRB कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। वहीं रेलवे NTPC एग्जाम डेट की बात करें तो हो सकता है आपका एग्जाम फरवरी के अंत या मार्च में रेलवे NTPC का एग्जाम हो, लेकिन अभी तक RRB या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है रेलवे एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी यह नोटिफिकेशन आई हो तो आप एक दूसरे को वायरल ना करें, क्योंकि यह नोटिफिकेशन फेक है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे के माध्यम से आप सभी को हमेशा 100% सही जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।